बातें करेंगे जो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में कहते हैं कि दर्शन ही नहीं, ये दृष्टि का ज्यादा ध्यान दिया जाता है शब्दों में। और दृष्टि जो है क्या, इसका वो होता है मूल रूप से देखना। जैसे हम ध्यान में किसी चीज में हम देखते हैं अपनी भावनाओं से कैसे भी, तो दृष्टि का अर्थ हम समझ सकते हैं। दृष्टि दृश्य हो, कोई चीज देखना, चित्र हो, कुछ भी हो, या यथार्थ जो सत्य है उसको देखना, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। और इसी प्रकार हम इस धर्म में मिथ्या दृष्टि हो या सत्य दृष्टि हो, इसमें दोनों में जो फर्क होता है उसको हम देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उसके बाद हम मिथ्या भावना करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फर्क है जो होता है कि शाब्दिक अर्थ से इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए दृष्टि का प्रथम स्तर पर अगर नजर डालते हैं, क्या चाहे सही हो या गलत दृष्टि हो, या लक्षणिक रूप से एक प्रकार देखने की ओर ये सब इंगित करता है। और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अच्छी दृष्टि हो या बुरी दृष्टि हो, है ना, या कमजोर दृष्टि हो, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। हमारी दृष्टि को कमजोर भी कहा जाता है जब वो दूर या अस्पष्टता से देखने में असमर्थ होती है दृष्टि। और दूसरा बुरी दृष्टि अर्थात धुंधली होती है, ये केवल बहुत थोड़ा ही देख पाती है। हम केवल हमारी नाक की सीध में ही देख पाते हैं। और ये बहुत सारी इसमें बातें होती हैं। तो हम इस प्रकार इस तरफ नहीं देख पाते, हमें क्या देखना है, क्या हमें प्रतिक्रिया देनी है, क्या करना है, तो इतना हम कह सकते हैं कि कम से कम चारों ओर देख पाते हैं, है बड़ी मुश्किल से, तो ये दृष्टि। तीसरा, क्या बुरी दृष्टि जो विकृति विकृत होती है, जब कभी जो है हम विकृत माध्यम जैसे टूटी हुई कांच की ग्लास या धब्बे वाले शीशे में देखते हैं, है ना, तब हमें ऐसा दिखाई देता है। उसमें अगर देते हैं रंग बिरंगा रूप दिखाई देता है, या अलग अलग तरह के धब्बे नजर आते हैं, ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें प्रत्येक चीज रंग बिरंगी या गहरे कोहरे की शक्ल में दिखाई देते हैं। तो बुरी दृष्टि अर्थात कमजोर दृष्टि धुंधली और विकृत होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और अच्छी दृष्टि अर्थात इन सभी से बिल्कुल उलट होती है, उल्टी होती है ना। अच्छी दृष्टि सशक्त होती है जब कभी देखते हैं, अर्थात बड़ी ही सहजता, स्पष्टता और काफी दूर से देखते हैं या देख पाते हैं, ये धुंधली नहीं होती है। अर्थात दृश्य काफी व्यापक होता है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर दिखता है, और ये विकृति नहीं होती है, अर्थात बिना किसी विकृति माध्यम के ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष में जो हम देखते हैं उसे हम अच्छी दृष्टि कह सकते हैं। अच्छी दृष्टि और बुरी दृष्टि के बीच में बड़े ही साधारण अर्थ से जो फर्क देखा है
उसकी सहायता से मिथ्या दृष्टि और उचित दृष्टि में भी फर्क देख सकते हैं। पहली बात यह है कि मिथ्या दृष्टि जो है वो कमजोर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पीछे कोई शक्ति नहीं होती है। अगर हमारी दृष्टि के पीछे शक्ति नहीं है तब हमारी वस्तुओं की ओर देखने की अंतर्दृष्टि कमजोर होती है। वस्तुओं का सत्य स्वरूप हम अस्पष्टता से नहीं देख पाते हैं। वस्तुएं जैसी हैं वैसी हम नहीं देख पाते हैं जिस शक्ति की हमें आवश्यकता होती है। यह है, क्या है ये सब जो है ये समाधि के अनुभव से प्राप्त होती है। जो हम ध्यान करते हैं या ध्यान के माध्यम से, इस प्रकार हम ध्यानिक अनुभव से ही प्राप्त एकाग्र शक्ति हमारी विशुद्ध सैद्धांतिक समझ को वस्तुओं के सत्य स्वरूप के प्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाती है। ऐसा होता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम एकाग्र होते हैं। तो जब एकाग्र होते हैं तभी ये विशुद्ध रूप से ये शक्तियां जो है ना, ये समझ जो है, ये वस्तुओं का क्या सत्य स्वरूप है उसको देखने के अनुभव में बदलती है ध्यान के माध्यम से। और इसी प्रकार हम इसको आगे भी कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि जो है तुदली होती है, ये बड़े ही संकीर्ण अनुभव तक सीमित होती है। इसके अनुभव का विस्तार हम अपने जो शरीर की ये इंद्रियां होती हैं पांच और तर्क संगत मन तक ही सीमित होता है। ये अनुभव की अन्य संभावनाओं से बिल्कुल अनजान साधारण तर्कों और निष्कर्षों तक ही सीमित होती है। यह दृष्टि उदाहरण के रूप से अगर हम देखें, जैसे कोई आदमी अपने काम में, अपने परिवार में या कहीं कार्य कर रहा है, फैक्ट्री संस्था कहीं भी किसी भी संगठन में, तो ये वहीं तक सीमित रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। तो जहां के हम रहते हैं वहीं के रहते ना हम आगे सोच सकते हैं। इसको हम वैसे तो ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे कहते नहीं कुएं का मेढक या कूप मंडूक जिसे कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इस दृष्टि के बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं हम, बाहर की दुनिया या अपने स्वयं के विकास के बारे में और सब के बारे में इस दृष्टि में नहीं सोच सकते हैं। या इसको ऐसा भी हम सोच सकते हैं जिसमें कहते हैं खाओ पियो और मस्त रहो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इन सब निष्कर्षों तक, जैसे हमने कहा, सीमित होते हैं और हम यहीं तक रहते हैं। और ये समस्याएं जो है कला व्यक्ति विकास विकास में, इसकी कोई रुचि इन सब में कुछ नहीं होती है इस दृष्टि में। जैसे उसकी रुचि बिल्कुल छीण हो गई हो, मतलब वो उसके कुछ सोचने की कुछ समझने की इच्छा ही नहीं होती है, इस प्रकार उसका अनुभव बिल्कुल सीमित होता है। और उसके बड़े सीमित अनुभव से वो जीवन और अस्तित्व की ओर देखता है, बहुत सीमित अनुभव से। तो आप समझ सकते हैं वो क्या देख सकता होगा, क्या जान सकता होगा। और आगे जो है मिथ्या दृष्टि जो विकृत होती है, ये इसके कारणों से हमारी दृष्टि बिल्कुल जो है
विकृत हो सकती है, भावनाओं द्वारा विकृत हो सकती है। हमारी भावनाएं अगर विकृत हैं तो उससे भी हम हमारी दृष्टि विकृत हो सकती है। अपने आनंद के क्षणों में हम चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, जबकि दुखी क्षणों में अलग तरीके से देखते हैं। जब खुशी का अनुभव होता है तो हम उस चीज उस तरह से सोचते हैं, और जब दुखी का क्षण होता है तो उसको अलग तरह से सोचते हैं। अगर किसी को भी हम ना पसंद करते हैं तब तमाम बुराइयों के साथ तथा जिसे पसंद करते हैं उसमें तमाम खूबियों के साथ देखते हैं। वास्तव में अगर हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, नहीं पसंद करना भी क्या होता है कि हम शुरू से ही एकदम से किसी को नहीं पसंद करते हैं, वो धीरे धीरे वो अवस्था बनती है, और जब बहुत ज्यादा वो प्रबल रूप धारण करती है तो हम उसकी थोड़ी थोड़ी कमियों को भी देखते हैं। और इसी प्रकार हम जिसको पसंद करते हैं और उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं तो उसकी हम थोड़ा कमियों को या उसकी बुराइयों को भी हम नजरअंदाज करते हैं थोड़ी बहुत। तो ये होता है और ये है हमारी दृष्टि। तब क्या होता है, तमाम बुराइयों के साथ तथा जिसे पसंद करते हैं उसे तमाम खूबियों के साथ देखते हैं, जबकि वह उसके पास होती ही नहीं है जो हम देखते हैं। अनेक तरहों से पक्षपातपूर्ण होने के कारण हमारी दृष्टि विकृति होती है, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं जो पक्षपातपूर्ण रहता है, चाहे जिसको पसंद करते हैं उसके प्रति या जिसको ना पसंद करते हैं उसके प्रति, ये दोनों में होता है। तो धर्म और राष्ट्रीयता के कारण भी विकृत होती है, जैसे आजकल चल रहा है कि आप देख ही सकते हैं इस देश में धर्म के नाम पर या राष्ट्रीयता के नाम पर जो दृष्टि है उसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि कमजोर धुंधली और विकृत होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब मिथ्या दृष्टि कमजोर होती है तो इसके साथ ध्यान की शक्ति नहीं होती है, है ना। अनुभव के बड़े सीमित दायरे तक ही ये दृष्टि रहती है, ये एक तरफा भावनाएं और पक्षपात पूर्ण से की दृष्टिकोण से ये होती है इस प्रकार से है। और इसके विपरीत हम सत्य दृष्टि की अगर बात करते हैं तो सत्य दृष्टि बड़ी ही शक्तिशाली और मजबूत होती है। इसके पीछे ध्यान की एकाग्र शक्ति होती है। हमने पहले भी अभी बताया था कि ये सत्य दृष्टि जो है ध्यान की एकाग्र शक्ति होती है, जो न केवल वस्तुओं की सैद्धांतिक समझ का विकास करती है बल्कि वस्तुओं के सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभूति जो होती है उसका भी विकास करती है। ये वस्तुओं के ऊपरी ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं के केंद्र को भेदने की क्षमता रखती है ये सत्य दृष्टि। प्रत्येक वस्तुओं को विभिन्न भिन्नता के साथ साथ उसकी बड़ी स्पष्टता से जो है देखने की क्षमता रखती है। और सत्य दृष्टि जो है असीमित और अस्पष्ट भी होती है। संपूर्ण मानवीय अनुभव के क्षेत्र में इसकी व्याप्त होती है जो ये सत्य दृष्टि है। शारीरिक इंद्री या तर्क संगत मन के अनुभव तक ही ये सीमित नहीं होती है जो सत्य दृष्टि होती है। ये जो है कोई आम राय बनाती है, अगर कोई आम राय बनाती है तो वो संपूर्ण मानवीय अनुभव के सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों को ध्यान में रखकर बनाती है। अब
अंततः सत्य दृष्टि विकृत नहीं होती है, ये भावनाएं और पक्षपात पूर्ण नजरिए से भी विकृत नहीं होती है, ये चीजों को जैसे है वैसे देखती है, जैसे वो वास्तव में है। वास्तव में एक बात है कि ये सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर ध्यान में रखकर बनाती है दृष्टि जो होती है, और कहीं भी हम कोई भी कार्य करते हैं अगर ध्यान से सब कुछ होता है, एकाग्र मन से होता है, तो वास्तव में ये दृष्टि जो है एक बदल, ऐसी बदल लाती है कि जिसका आज हम सभी उदाहरण है। जैसे बाबा साहेब ने किस एकाग्र भावना से, किस अनुभव से हम लोगों को या हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो न्याय संगत हमें संविधान में हमारे लिए दिया है, जिसकी वजह से हम आप हैं, वो सोच सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। वास्तव में ये सत्य दृष्टि का ही ये परिणाम है, क्योंकि वो वस्तुओं को, सब चीजों को बड़े अच्छी तरीके से देखते थे, और जो है इसमें कोई पक्षपात पूर्ण बात नहीं होती है। क्या दलितों की बात हो, क्या अल्पसंख्यक की बात हो, क्या महिलाओं की बात हो, इन्होंने हर एक समाज को, ठीक है आज बाबा साहेब को हमारे किसी समाज का भले बता दिया है, लेकिन वास्तव में वो पूरे देश के लिए, हर एक समाज के लिए सोचते थे, वो उनकी दृष्टि थी। तो हम आगे बढ़ेंगे कि अब तक ये दृष्टि की अर्थ या इसकी बात, तो लेकिन दृष्टि जो है अमूर्त रूप से नहीं होती है, ये दृष्टि अर्थात किसी न किसी से संबंधित होती है। मिथ्या दृष्टि या सत्य दृष्टि, दो प्रकार की दृष्टि वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह हो जाते हैं जो मिथ्या दृष्टि रखते हैं, जिनकी धारणाएं गलत होती हैं, है ना, और एक वह होते हैं जो सत्य दृष्टि रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि सीमित, धुंधली और विकृत होती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी दृष्टि व्यापक और स्पष्ट और स्वस्थ होती है। ये समाज है, हर एक तरह के लोग होते हैं। अब उसमें हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। जिन लोगों की मिथ्या दृष्टि होती है उसे तकनीकी अर्थ से बौद्ध धर्म में पृथक जन अर्थात साधारण मानो, तथा जिनके पास सत्य दृष्टि होती है वह आर्य या आध्यात्मिक अर्थ से श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं जिन्होंने स्वयं पर कुछ भी कार्य नहीं किया है, तनिक भी वह व्यक्तिक विकास नहीं किया है, और वह वैसे ही है जैसे उन्हें प्रकृति ने बनाया है, दूसरी ओर वह हैं जिन्होंने स्वयं पर कार्य किया है, जिन्होंने कुछ मात्रा में व्यक्तिक विकास किया है, व्यक्तिगत विकास किया है, उन्होंने स्वयं को थोड़ा बहुत संवारा है, बनाया है, स्वयं को पुनर्रचा है, स्वयं को सब साधारण भीड़ है या बहुसंख्यक है, तथा जो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं वह अल्पमत में हैं, तथा एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन की संभावना है। ऐसा भी नहीं है कि वो परिवर्तित नहीं हो सकते, है संभावना भी है, लेकिन ये साधारण जन जो हैं आर्य हो सकते हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति संचेतना का विकास करके, सकारात्मक भावनाओं का विकास करके, स्वयं की चेतना का स्तर ऊंचा उठाकर और उन सबसे ऊपर मिथ्या दृष्टि को त्याग कर सत्य दृष्टि का विकास कर सकता है हर एक कोई। जैसे हम लोग इस ध्यान संध्या के माध्यम से, अपने जहां जिस केंद्र में है वर्क के माध्यम से, या
और जब हम जाते हैं शिविरों के माध्यम से तो अपना विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक मनुष्य कर सकता है। और जब तक तो ये दो प्रकार की दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि सत्य दृष्टि की चर्चा जो हमने की है, वास्तव में ये दृष्टियां होती हैं। जो तीसरी है उसे सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, जैसे आप अष्टांगिक मार्ग में पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि। और वास्तव में ये सत्य दृष्टि ही है, अर्थात जितना संभव हो सके उसकी संपूर्णता में विकास किया जाता है। विकास के सर्वोच्च बिंदु पर संपूर्ण मनुष्य की समग्र दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि, अर्थात ऐसी दृष्टि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये असंस्कारिक सत्य पर आधारित असंस्कारिक दृष्टि है। ये एक ऐसी दृष्टि है जो काल और स्थान को परिवर्तित कर देती है। समझ सकते हैं एक ऐसी दृष्टि हो सकती है जो स्थान को भी परिवर्तित कर देती है और काल को भी परिवर्तित कर देती है, जो अनुभव के साधारण ढांचे अर्थात आप पर भेद के अनुभव को बदल देती है, जो अपने आप में भेद होता उसको भी बदल देती है। सम्यक दृष्टि अर्थात संबोधि प्राप्त व्यक्ति की दृष्टि होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि है जो प्रज्ञा और करुणा से देखता है, और इस प्रकार सम्यक दृष्टि ही बुद्ध की दृष्टि है। और हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, केवल प्रसंगवश ही हमें सत्य दृष्टि की कोई झलक दिखाई देती है, या हम चीजों को अधिकांशता मिथ्या दृष्टि से देखते हैं। इतना ही नहीं, हम हमारी मिथ्या दृष्टि पर इक्तबात करते हैं, या हम उन्हें नियोजित ढंग से सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह सब हमारे तथाकथित सांसारिक दर्शन है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के वादों का समावेश करते हैं। अगर हमें बुद्ध के देखने की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है या मिल जाए तो क्षणिक या काल्पनिक ही सही, भले ही बहुत थोड़े मात्र में हो, सही हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं इस बात को देखने में सक्षम होंगे, तभी हमारे पास सच्चा दर्शन होगा जो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य देगा और व्यक्ति विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए सर्व सम्मान तत्व को समझने में मदद करेगा। ये है सत्य दृष्टि जिसकी हम बात कर रहे थे। वास्तव में हम लोग इसमें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हमें स्वयं को देखना है हम कहां पर हैं, और हम ध्यान करते हैं या जो कुछ ही करते हैं घर में जहां भी, तो उससे भी हम स्वयं को देख सकते हैं। अपने कार्यकलापों में हमारी कैसी दृष्टि है, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, स्वयं से, दूसरा बताए तभी नहीं, स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में हम ध्यान करते हैं और ये हमें बुद्ध की झलक भी, इससे अगर हम सही उसमें रहते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास किया।